हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस लेसन 4 क्लास 5th। द टॉपिक रेस्पिरेटोरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल द रेस्पिरेटोरी सिस्टम। लेट्स स्टडी व्हाट इज इट दैट यू डू ऑल द डे लॉन्ग एवरी डे नो मैटर वेयर यू आर और हु यू आर विथ। यस, यू ब्रेथ विथआउट इवन नोटिसिंग इट। The respiratory system helps us to breathe. It consists of nose, trachea, windpipe, and a pair of lungs. When you breathe in, you inhale pure air, and as you breathe out, you exhale impure air. The inhaled air passes from your nostrils to the trachea. The trachea branches out into both the lungs. इस पैराग्राफ का हिंदी यह हुआ कि यह क्या है कि आप पूरे समय इसको करते रहते हैं, हर दिन करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं या आप किसके साथ हैं। हाँ, आप इसे ध्यान दिए बिना ही यह कार्य करते हैं, यानी कि आप सांस लेते हैं। श्वसन प्रणाली हमें सांस लेने में मदद करती है। इसमें नाक, ट्रेकिया और फेफड़ों की एक जोड़ी होती है। जो आप सांस लेते हैं तो आप शुद्ध हवा अंदर लेते हैं, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो अशुद्ध हवा बाहर निकलती है। सांस की हवा आपके नथुने से ट्रेकिया तक जाती है, यानी कि श्वसन नली दोनों फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है, योर लंग्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। द रेस्पिरेटोरी एंड द सर्कुलेटोरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट टॉकिंग इन फ्रेश एयर एंड गेटिंग राइट ऑफ द इम्प्योर एयर। लेट अस लर्न हाउ एग्जैक्टली दिस गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेसेस। हमारे फेफड़े हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग में से एक माने जाते हैं। श्वसन और संचार प्रणाली ताज़ी हवा में लेने और अशुद्ध हवा से छुटकारा पाने की सुविधा के लिए एक साथ काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में यह कैसे गैसीय विनियम करते हैं। नेक्स्ट है, यू ब्रेथ इन ऑक्सीजन रिच और इम्प्योर एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। इट रिच द लंग्स। देयर आर थिन टीनी एयर सैक इन लंग्स। The inhaled air fills up the air sacs. This causes the lungs and chest to expand. यानी कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। यह फेफड़ों तक पहुंचता है, और फेफड़े में पतले छोटे वायु थैलियां होती हैं, और सांस की हवा हवा की थैलियों को भर देती है, जिससे फेफड़े और छाती का विस्तार होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द सैक्स हैव वेरी थिन स्किन। देयर आर मेनी ब्लड वेजल्स इन दिस थिन स्किन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हेयर। द ब्लड पिक्स अप द ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर इन द सैक्स। दिस एयर विच is rich in carbon dioxide or impure air goes out through your nostrils when you exhale. हालांकि थैली में बहुत पतली त्वचा होती है। इस पतली त्वचा में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं। गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। रक्त ऑक्सीजन उठाता है और थैली में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। यह हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड या अशुद्ध हवा में समृद्ध होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम अपने नथुने से बाहर इस हवा को निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन। यानी कि हमें ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड टू ए सिंपलर फॉर्म। दे गेट ऑब्जॉर्ब्ड बाई ब्लड एंड टेकन टू इच सेल
ऑफ द बॉडी। सिमिलरली ऑब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन इन द लंग्स ऑल्सो रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। इन द सेल्स ऑक्सीजन एक्ट्स ऑन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू मेक एनर्जी। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि पाचन तंत्र हमारे भोजन में पोषक तत्वों को सरल रूप से तोड़ते रहता है, वे रक्त द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाते हैं। इस तरह फेफड़ों में अवशोषित ऑक्सीजन भी शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन ऊर्जा बनाने के लिए बचे हुए पोषक तत्व पर काम करते रहते हैं। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, वी ऑल्सो नीड दिस एनर्जी टू स्टे हेल्दी। यानी कि हमें काम करने के लिए भी और खेलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए भी इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वास्ट प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस। इट गेट्स ऑब्जॉर्ब बाय द ब्लड टू बी टेकन टू द हार्ट एंड देन पम्प्ड टू द लंग्स। हेयर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस। यानी कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्पाद है, यानी कि एक तरह का वास्ट प्रोडक्ट है। यह रक्त द्वारा हृदय में ले जाने के लिए अवशोषित हो जाता है और फिर फेफड़ों में पंप किया जाता है। यहाँ जैसे कि पहले बताया गया है कि गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। नेक्स्ट है, दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग इट्सेल्फ ऑल द टाइम। डू यू नो हाउ मैनी टाइम्स योर ब्रेथ इन ए मिनट? ए ह्यूमन एडल्ट ब्रेथ्स अबाउट 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट। यानी कि यह प्रक्रिया या फिर यह चक्र हर समय अपने आप को दोहराते रहता है। क्या आप जानते हैं कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो एक मानव जो वयस्क हैं यानी कि बड़े लोग हैं, वो प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, मैनी एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज बट दे ऑल नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। प्लांट्स रिस्पायर थ्रू एस्टोमेटा एंड दे टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कई जानवर अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे भी रंध्र के माध्यम से सांस लेते हैं और वे भी ऑक्सीजन में लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं।